नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का ये नेक्स्ट वीडियो है उसको लेकर आएंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको देखें कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनार सिंह ने 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 15,000 रुपये और एक अन्य रकम 15% की दर से 2 वर्षों के लिए उधार लिया। उसने कुल 9,000 रुपये ब्याज के रूप में अदा किए, उसने कुल कितना उधार लिया था। देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं कि उसने एक रकम 15,000 रुपये ली, 15,000 रुपये, ठीक है, वो भी किस रेट पर, 12% के। तो यहाँ लिखेंगे 12% के रेट पर उसने रकम ली। तो 12% 15,000 का देखेंगे तो उसने कितना ब्याज दिया होगा, उसने 1,800 रुपये ब्याज दिया होगा। 15,000 का 12% जब आप निकालेंगे तो आपका 1,800 रुपये आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक अन्य रकम जो अभी मुझे पता नहीं है, अन्य रकम मुझे पता नहीं, ये रकम उसने दी थी कितने परसेंट पर, 15% पर, ठीक है। तो टोटल रकम क्या हुई, 15,000 प्लस, अगर इसको एक्स मानते हैं तो ये, लेकिन ये रकम मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि जब ये रकम पता हुई तब दोनों को ऐड करके तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लेकिन ये पता नहीं। अब ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं कि 2 वर्षों के लिए उधार लिया था, उसने कुल 9,000 रुपये ब्याज के रूप में अदा किए। 9,000 रुपये उसने ब्याज के रूप में अदा किए कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए 9,000 था तो एक ईयर के लिए कितना होगा, 4,500, ठीक है। अब ज़रा देखेंगे कि 1,800 उसने इस राशि पर ब्याज दिया और टोटल एक साल का कितना है, 4,500, 1,800 यहाँ दे दिया तो इसमें कितना दिया होगा, 2,700 दिया होगा, ठीक है। तो इस राशि का 15% 2,700 है तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि मान लीजिए राशि x थी, इसका 15% कितना है, 2,700 है। तो बताइए ये अमाउंट कितना होगा, तो आपका 100 ऊपर जाएगा और 15 आपका नीचे रहेगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 3 से करेंगे, 3 5 15, 3 27 900 रहेगा आपका, 5 से काट दीजिए, 5 2 10, तो ये आपका 18,000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, उसने कुल कितना रुपए उधार लिया, तो देखिए 15,000 यहाँ लिया था, 18,000 यहाँ आएगा, टोटल कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 33,000 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़रा फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, 15,000 रुपये उसने 12% के रेट से लिया था तो उसने ब्याज दिया 1,800 रुपये, अन्य राशि उसने 15% पर ली थी, ठीक है, जो ना ये अमाउंट दिया था ना आपको ये अमाउंट दिया था, लेकिन यहाँ पर दिया कि 9,000 रुपये 2 साल में लिए, तो एक साल का हो गया 4,500, जब 1,800 यहाँ पर दिया तो दूसरा अमाउंट में उसने 2,700 रुपये ब्याज के दिए होंगे, तो इस अमाउंट पर 15% के हिसाब से 2,700 दिए, तो ये अमाउंट कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ पर निकाल ली, तो ये अमाउंट आपकी 18,000 आई थी, 18,000 और ये 15,000 दोनों को ऐड कर देंगे तो उसने टोटल 33,000 रुपये राशि उधार ली थी, कि इस टाइप से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दूध वाले ने 2,500 रुपये उधार लिए, पहला ऋण 5% प्रतिवर्ष की दर से जबकि दूसरा ऋण 7% प्रतिवर्ष की दर से, यदि 2 वर्षों में ब्याज के रूप में कुल 265 रुपये अदा किए गए तो बताएं कि प्रथम ऋण कितना होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसे। तो अगर कहीं ना कहीं देखें तो ये आपका सवाल एलिगेशन का बन रहा है, 5% 7% और इसका निकाल देंगे तो आपका ये एलिगेशन का सवाल बन रहा है। देखिए टोटल राशि कितनी थी, 2,500 रुपये थी, ठीक है। तो पहला उसने लिया 5% से, दूसरा उसने लिया 7% से, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, मेन मिड वैल्यू यहाँ पर आएगी, जो कि क्या है, 265 रुपये अदा किए, किस पर, 2,500 पर। अब 265 कहीं यहाँ पर किया होगा, कुछ यहाँ पर किया होगा, लेकिन टोटल का 2,500 का है 265, इसका निकाल लेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये देखिए 5×25 5×25 5×3 15,
5 × 5, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखेंगे जरा कहीं मिस्टेक हुई शायद, 5 × 5 0 × 5 = 30, तो 10.6 ये आपका आ गया, लेकिन ये 2 ईयर का आपका आया। और यहाँ निकालेंगे 1 ईयर का तो आपका रहेगा 5.3, इसका हाफ कर देंगे तो 5.3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 ईयर का था, ठीक है। तो 2 ईयर का मैंने निकाली 10.6%, लेकिन ये आपका 1 साल है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 साल है, यहाँ पर भी 1 साल है, तो आपका 1 साल का ही निकालना पड़ेगा। आगे देखिए, इसको लेस करेंगे तो आपका आएगा 1.7, इसको लेस करेंगे आपका आएगा 0.3, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 17:3 आपका आ जाएगा। 17:3 आप देखेंगे तो ये आपका रहेगा टोटल 20, ठीक है, 20 रहेगा। तो यही 20 की इक्वल टू में वैल्यू आपकी क्या दी गई है, 2500 रुपये, ठीक है। तो 1 टाइम ये कितना हो जाएगा, 125। और पूछा क्या गया आपसे, बताया कि प्रथम ऋण कितना था, तो प्रथम कितना आपका 17 है, तो 1 × 125, तो 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसका पूछता ज़्यादा तो आपका 3 का मल्टीप्लाई हो जाता, तो 17×50 की 5 हासिल 8, 17×2 34 और 8 42 हासिल 4, 17 × 4 = 21, 2125 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस टाइप से निकालेंगे, इसको ज़रा फिर से देखिएगा, 265 2500 पर जो आपका ब्याज दिया था, तो मैंने देखा कि 10.6 निकल के आ रहा है, ये 2 ईयर का है, मुझे 1 ईयर का निकालना है, इसका फिर से हाफ कर देंगे, 2 में इतना है तो 1 का इसका हाफ कर देंगे, 5.3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% प्रतिवर्ष, 1/4 भाग 8% प्रतिवर्ष और शेष रकम 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की, यदि उसकी वार्षिक आमदनी 561 रुपये हो तो बताएं कि उसकी पूंजी कितनी होगी। देखिए, राशि जो आपको भाग में दी गई है, इसको क्या करेंगे, 100 न मानकर ऐसा वैल्यू मानेंगे जिससे कि इजीली ये कट जाए। तो देखेंगे एलसीएम अगर 3 और 4 का लेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। अब 12 है और यहाँ पर परसेंट भी आपको निकालना है, तो 2 जीरो और उसमें बढ़ा देंगे, तो वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 1200। आप चाहो तो 2400 भी मान सकते हैं, ठीक है, उसका मल्टीपल होना चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि 1/3 भाग, तो 1200 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 400 रुपये, 400 रुपये उसने 7% की दर से लगाई, 7% की दर से, तो ब्याज उससे कितना मिला, 28 रुपये। इसके बाद 1/4 भाग 8%, तो 1/4 इसका कितना हो जाएगा, 300। ये उसने लगाए कितने परसेंट से, 8% से, तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। और शेष रकम देखिए, 4 × 3 = 7 और टोटल आपकी 1200 सी, तो आपकी 500 बची है शेष, जो कि इसने लगाया कितने से, 10% से, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा आपका, 50। तो ये आपका टोटल रुपये तो हो गया 1200, और ब्याज आपको कितना मिला, अगर आप इसे ऐड करेंगे, 8 × 4 = 12, 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 10, 102 रुपये आपका ब्याज मिला। अब देखिए, 102 ब्याज मिला तब आपकी रकम कितनी थी, 1200 थी, जब 102 ब्याज मिला तब रकम आपकी 1200 थी, और जब ब्याज 561 मिला तो रकम कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है, बस इसी को आपको सॉल्व करना था। चलिए इसको काटते हैं 6 से, 6 × 6 = 6, 6 × 7 = 42, 6 × 2 = 12, 200 यहाँ पर आ जाएगा, 17 × 2 = 34, 17 × 3 = 51 और 17 × 3 = 51, 33 × 2 आपका कितना हो जाएगा, 66 और 00, 6600 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि 7.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 15 महीनों का ब्याज समान रकम पर, 12.5 प्रतिवर्ष की दर से 8 महीनों के साधारण ब्याज से 3250 रुपये ज़्यादा है, तो वह रकम क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 7.5% प्रतिवर्ष की दर से 15 महीनों में है ना, तो चलिए निकालते हैं इसको, तो इसको 1 साल का हम लोग निकाल लेते हैं,
15 महीने का दिया, हम लोग 1 साल का निकाल लेते थे। 3 चौके 12, 3 5 15, 5 25, 5 7 35 और 2 37। ठीक है, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको ज़रा डबल कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 75, नीचे आपका आ जाएगा 8%। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 75/8%। ये आपका 1 साल का हो गया, जो आपको या 15 महीने का दिया था, मैंने यहाँ पर 12 महीने का मतलब 1 साल का निकाल लिया। का ब्याज समान रकम पर, रकम समान है, 12.5% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने के लिए, तो 12.5 थी, 8 महीने के लिए बात कर रहे हैं तो 1 साल का निकाल लेते हैं। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। ठीक है, 2 × 8 = 16 और 12 × 2 = 24 और 1 = 25, 25.6, सॉरी यहाँ पर 5 है आपका, ठीक है 5 है, तो 4 से काटा ना, तो आपका ये हो जाएगा 12.5 इंटू 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 25/3। ठीक है, ये आपका निकल गया होगा 1 साल का। अब क्या कह रहा है कि इसका जो अंतर है, साधारण ब्याज 3250 रुपये ज़्यादा है, तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका 3250 है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, चलिए डिफरेंस निकालते हैं इसका। तो 75/8 माइनस 25/3, इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम आपका 24 आ जाएगा, 8 × 3 = 24, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 22, 225/3 × 24 = 25 × 8 = 200। डिफरेंस आपका आ जाएगा 25/24। यही डिफरेंस आपका किसके बराबर है, 3250। तो आपको बताने की रकम कितनी होगी। ठीक है, तो इसके इक्वल टू में ये वैल्यू है, तो कैसे करेंगे देखिए, तो 25 को कैंसिल आउट करेंगे, 25 × 25 और 25 × 3 = 75, 130। ठीक है, ये वैल्यू आपकी ऊपर जाएगी, 130 × 24 और ये परसेंट है, तो नीचे जब 100 आएगा तो 100 भी आपका ऊपर चला जाएगा, इसको बस मल्टीप्लाई करना था आपको। 13 × 4 = 52, 2 × 5 = 5, 13 × 2 = 26 और 5 = 31 और 00। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 3 0 रहेंगे, तो 312,000 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन कुछ थे, मैंने यहाँ पर सॉल्व किए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे आपके पास। ठीक है, ऑल द बेस्ट।